वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा जेल के बेनिफिट। इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करिए। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर ले, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप लोग मेरी वीडियो को आसानी से देख सके। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि एलोवेरा जेल सबके घर में होता है, क्योंकि या तो पौधा हो या रेडीमेड लेके इसे यूज करें, ये सबके घर में अवेलेबल होता है। और फिर भी विटामिन ई का कैप्सूल है ये, जो मार्केट में आपको बहुत ही कम रुपीज़ में मिलता है, या तो 20 रुपीज़ का या 24 रुपीज़ का, ऐसे करके ये मिल जाएगा आपको। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको ये दोनों मिल जाएगा, आप आसानी से इसे परचेज़ कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट क्या हैं, अगर आप अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं इसे, तो आप स्किन केयर भी कर सकते हैं, अपनी बालों का भी केयर कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा बताने वाली हूँ आप कैसे इसका स्किन केयर कर सकते हैं और अपने बालों का देखभाल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए गाइस। पहले तो हम इसका यूज अपने फेस पे करेंगे। पहले यूज कैसे करना है इसका हमें अपने फेस पे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ और किन किन प्रॉब्लम में करना है आपको इसका यूज। जैसे कि आपके फेस पे डार्क सर्कल हैं या पिंपल के दाग धब्बे रह गए हैं, ऐसा होता है हमारी स्किन पे। एक बारी पिंपल अच्छा होता है और दूसरी बारी हमारे पिंपल हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग दवा कराते हैं फिर भी हो जाता है बाद में, तो ऐसा होता है। अगर आपको ये बार बार प्रॉब्लम हो रहा है कि एक बार अच्छा हो रहा है एक बार फिर से हो जा रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज आपको कैसे करना है, और अगर आपके स्किन में ओपन पोर्स हैं या डार्क सर्कल हैं या आपके डल हो गए हैं स्किन, इन सब प्रॉब्लम को ये रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इन दोनों का यूज़ हमें करना है, इन दोनों का यूज़ हमें कैसे करना है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सो गाइस, मैंने लिया पे 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आप देख सकते हो। फिर हमें लेना है विटामिन ई का कैप्सूल, 2 कैप्सूल लेना है हमें। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत ही क्रीमी हो जाता है। सो अब हमें इसे अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है, इसका हमें 5 मिनट तक मसाज करना है अपने फेस पे अच्छे से। अगर आपके स्किन पे कहीं भी स्ट्रेच मार्क हो, आप इस पैक को वहाँ भी यूज कर सकते हैं। और इसे आपको रेगुलर यूज करना है, आप 2 हफ्ते के बाद देखेंगे कि आपके स्ट्रेच मार्क थोड़े लाइट हो रहे हैं और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि एकदम अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे, बट आपके जो भी स्ट्रेच मार्क होंगे वो लाइट हो जाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक लाइट हो जाएंगे। अभी मेरा 5 मिनट हो गया, मैंने इसको अच्छे से मसाज कर लिया है। अब मैं इसे ऐसे छोड़ दूँगी 1.5 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से इसको धो लूँगी। और इसको अपने बाल में इसे कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले तो आपके स्केल में जो भी हो, जैसा होता है ना, डैंड्रफ नहीं होता फिर भी हमारे स्केल में खुजली होता है, और आपके बाल ज़्यादा डैमेज हो गए हों या ज़्यादा रूखा सूखा हो गया हो, अगर आपके बाल ऐसे हो गए हैं, तो आप इसका इस पैक का आपको करना क्या है, आपने स्केल में, केवल स्केल में लगाना है आपको। अच्छे से 15 मिनट के लिए मसाज देना है लगाने के बाद से, और अपने पूरे बालों में नहीं लगाना है, आपको इन सब बालों में नहीं लगाना है, केवल आपको स्केल में लगाना है अपने बालों के। और रात के
15 मिनट तक मसाज देना है, रात के लिए छोड़ देना है। फिर सुबह आप अपने जिस भी शैम्पू से बाल धोते हैं उस शैम्पू से बाल धो लें और फिर आप देखें अपने बालों का कितना अच्छा आपका बाल लगेगा, कि आपके बाल कितने शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। इसका यूज आप फटी एड़ियों के लिए भी कर सकते हैं। होता है जैसा कि गर्मी में कितने लोगों का भी एड़ियाँ फट जाता है, जैसा कि ठंडी में तो अक्सर होता है, काफ़ी लोगों का होता है, बट गर्मियों में कितने लोगों का भी हो जाता है। तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं और अपने एड़ियों को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका यूज मॉइस्चराइजर के लिए करना, तो आप इसका यूज मॉइस्चराइजर के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, 2 या 3 ड्रॉप रोज़ वाटर का ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, ये मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा। सो गाइस, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, मिलते हैं मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।